मेवात प्रो कबड्डी लीग का चौथे दौर का मैच आज नगीना के गोहरवाली चौक पर आयोजित किया गया। मैच का उद्घाटन जिला परियोजना अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रहमान खान ने किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों में खेल भावना का विकास होता है। फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई इस मुहिम का स्वागत करते हुए डॉक्टर ने कहा कि भूतकाल को लौटाने की कोशिश है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही मेवात में पुराने जमाने के खेल फिर से तरोताजा नजर आएंगे। इस अवसर पर एबीएस फाउंडेशन के नवीन लाठर, मास्टर वसीम इम्तियाज, अरशद खान, अशरफ खान, सफी मोहम्मद, नाजीम आजाद, इकबाल सहित काफी संख्या में ग्रामीण व खिलाड़ी उपस्थित रहे। लोगों की रुचि रहती थी, सभी गांवों में खेलते थे, लेकिन बीच में ये सारे खेल लुप्त हो गए। अब एबीएस और एवीएस ने जो मिलकर ये कार्यक्रम खेलों का शुरू किया है, इससे समाज में और ख़ास तौर पे जो युवा वर्ग है उसमें एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। चूँकि मेवात का युवा जो नशा या दूसरे चुर्री खाने में या दूसरे गलत कार्यों में जो संलिप्त हुआ पड़ा है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और वो खेलों की तरफ उनकी रुचि बढ़ेगी। इससे मेवात का जो भविष्य है, मुस्तकबिल है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा और मेवात के युवाओं में इसके एक अच्छा मैसेज जाएगा। 2 दिसंबर से 4th प्रो कबड्डी लीग मेवात की शुरुआत हुई थी राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीमा से। उसके बाद 6 दिसंबर को गोरी कोठी के मुकाबले हुए, 13 को पुनाणा में थे, आज ये नगीना में है। 8 टीमें जो सुपर 8 में सेलेक्ट की हुई हैं वो टीमें अपने लीग मैच खेल रही हैं। उसके बाद अगले 20 तारीख को तावड़ू में होगा चिल्ला, उसके बाद 23 को फिर कुछ मुकाबले होने और 27 दिसंबर को इसका फाइनल होगा।